मंगलवार को जो आयोजित जनसुनवाई में समनापुर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत के चांदरानी के ग्रामीण आए हुए हैं। इनका आरोप है कि जो पूर्व सरपंच है उसने सरकारी भूमि में कब्जा करके बहुत बड़ा आलिशान मकान बना लिया है, जिससे ग्रामीणों को निस्तारण में परेशानी हो रही है। इसकी शिकायत ग्रामीण लंबे समय से जिला प्रशासन से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे सब ग्रामीणों में आक्रोश है और सरपंच भी है। हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका, क्या समस्या लेकर आए हो आप? कौन कब्जा कर लिया आपकी जमीन में, सरकारी जमीन में? भूतपूर्व सरपंच। भूतपूर्व सरपंच, क्या नाम है सरपंच का, भूतपूर्व सरपंच का? चंद्रभान, चंद्रभान मार्को। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हटवाना चाहते हैं? हाँ, हटवाना चाहते हैं। इसलिए आए हो? हाँ। और ग्रामीण है हमारे साथ में, क्या नाम है आपका? चंद्रभान बनवासी। अच्छा जी, क्या मामला है जमीन कब्जा करने का? भैया, ये चंद्रभान मार्को जो है भूतपूर्व सरपंच है, ये हमारे ग्राम पंचायत चांदरानी की जो चरनोई घास भूमि है उसे कब्जा किया है, और हम सभी समस्त ग्रामवासी यही चाहते हैं कि उस जमीन को मतलब छुड़वा कर वहां पर एक सामुदायिक भवन या कोई अस्पताल बनवाना चाहते हैं। इसलिए हम ये गांव की जनता चाहते हैं कि वो जमीन जो है शासन। कितने बार हो गया आपको शिकायत करते हुए यहाँ कलेक्ट्रेट में आकर के? चार पांच मरतबे हो गए, लेकिन हम जो यहाँ पर आवेदन दे रहे हैं उसका कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है। अच्छा। इसलिए हम फिर दोबारा यहाँ कलेक्ट्रेट में माननीय कलेक्टर साहब के पास जन सुनवाई में फिर गांव के लोग आए हुए। ठीक है, ये थे हमारे साथ ग्रामीण। ये बता रहे हैं कि जो प्रशासन है, जो पूर्व सरपंच उसका अवैध कब्जा हटाने के लिए कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे इतनी संख्या में ग्रामीण शिकायत करने आए हैं।